वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी वन। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जिस बात पे फोकस किया था वो था सिर्फ डिजाइन। हमने एक्सएमएल लेआउट से सिर्फ उस तरफ डिजाइन को बनाया बट उसके पीछे के लॉजिक्स को इंप्लीमेंट नहीं। बट इस एक्टिविटी के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम वही कंप्लीट करने वाले। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़े से कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जो शायद हमारे काम आएंगे, वो काफी बार सुन चुके हो, एक बार दोबारा से जनरलाइज कर देते हैं। देखो कोई भी अगर ऐप बनती है ना, कोई भी अगर ऐप बनती है तो उसके लिए कोई ना कोई लेआउट फाइल, कोई ना कोई लेआउट फाइल होती है उसके लिए। बस एक फाइल होगी, वो सिर्फ किसकी बात कर रही होगी, लेआउट के लिए। अब जो मैंने हम प्रीवियस पार्ट के अंदर हम पढ़ के आ रहे हैं वो ये है कि ये जो लेआउट फाइल होती है ना, ये बाकी बहुत सारी फाइल्स के साथ टीम अप करती है। जैसे कि ये हेल्प लेती है स्ट्रिंग्स वाली हेल्प, स्ट्रिंग्स के साथ स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल, ठीक है, अपने एक ड्रॉएबल इमेज कहाँ से उठ के आती है, ड्रॉएबल से। स्ट्रिंग्स कहाँ पे लोकलाइज होती है, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल के अंदर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फाइल्स की हेल्प लेती है, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है। उसके बाद हेल्प लेने के बाद लेआउट आगे मूव करता है किस पे, अपने एक्टिविटी की तरफ। एक एक्टिविटी है, अब जो ये एक्टिविटी है ये बताती है कि हम, मेरी जो ऐप है वो किस तरीके से यूजर से इंटरेक्ट करने वाली है। लेआउट का काम क्या है, लेआउट का काम सिर्फ ये है डिजाइन बनाना। अब उस डिजाइन के पीछे उस बटन के, कोई भी अगर आपने कोई बटन बनाया, कोई भी अगर आपने व्यू बनाया, उस व्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे यूजर से इंटरेक्ट करना है, उसका मेजर ब्रेन्स किसके पास होता है, एक्टिविटी के पास। सारा काम डिसाइड करना से लेकर मैनेज करना किसका काम है, एक्टिविटी का। अब ये एक्टिविटी फर्दर क्लासेस की हेल्प लेती है अपने लॉजिक्स को डेवलप करने के लिए। तो इसके अंदर ये फर्दर जावा क्लासेस या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ मर्ज हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे तो कुछ मैंने क्लास फाइल लिख दी, जैसे कि डॉट क्लास फाइल है, ठीक है, और बाकी मैंने बहुत सारी क्लास फाइल्स बनाई, जावा फाइल्स बनाई, ठीक है। उसके बाद हो सकता है किसी और एक्टिविटी के साथ एंगेज कर रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा टू एंड फ्रो मोशन चलता रहता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लेआउट से, क्योंकि लेआउट ही सिर्फ मेरी रिप्रेजेंटेशन है। पूरे पूरे ऐप का फ्रंट किसने संभाल रखा है, लेआउट ने। पूरे पूरे ऐप का जो रिसोर्सेज है, जो मैनेजिंग है, जो लॉजिक है, वो किसने संभाल रखा है, एक्टिविटी ने, ठीक है। तो एक बार के लिए देखते हैं कि कोई भी अगर ऐप बनानी होती है तो क्या क्या नीडेड होता है। कोई भी ऐप बनाने के लिए ना टोटल मेजर चार स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी एक बेसिक टेम्पलेट को इम्पोर्ट करो या फिर क्रिएट सैम्पल प्रोजेक्ट या फिर क्रिएट अ प्रोजेक्ट, क्रिएट सैम्पल प्रोजेक्ट। तो जब हम पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं इसमें बोलते हैं कि एक सिंपल ऐप लेकर आओ, एक ब्लैंक एक्टिविटी लेकर आओ, तो ये वो है क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट। आपने कोई भी प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद लेआउट अपडेशन, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, उसके लेआउट को अपडेट करो। पहला स्टेप, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बना रहे हैं तो एंड्रॉइड स्टूडियो क्या बोलता है, पहले कोई ना कोई ऐप बना लो, उसके लिए उसका मिनिमम एसडीके डिफाइन कर लो, उसके लिए उसका नाम सोच लो, सब कुछ कर लिया। उसके बाद उसके लेआउट को अपडेट करो। पहला टास्क क्या करो, लेआउट को अपडेट करो। लेआउट की अपडेट करने के बाद जो आपका सेकेंड टास्क होना चाहिए, थर्ड टास्क होना चाहिए, दैट इज कनेक्टिंग विद एक्टिविटी। जो भी आपने लेआउट के अंदर अपडेट किया उसको अपनी किसी एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि इंटरेक्शन किस स्टेप पे क्या होना है, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, वो तो कौन जज करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी। और एक्टिविटी से कनेक्ट करने के बाद जो आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए, दैट शुड बी फिगरिंग आउट लॉजिक, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। अगर वो बोलूंगा ना मेजर रूल्स, मेजर गोल्डन रूल्स की चार क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो ये है। कोई भी एक सैंपल प्रोजेक्ट उठाया, उसको क्रिएट किया, जो भी सैंपल हमारे टेम्पलेट्स के होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, उसके अंदर लेआउट को अपडेट किया, अपनी एक्टिविटी को कनेक्ट किया, अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया,
ये चार मेजर स्टेप्स हैं, इनके बीच में बहुत सारे स्टेप्स की कहानी होती है, जैसे कि स्ट्रिंग्स को लोकलाइज करना, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस में बात किया था, स्ट्रिंग्स को लोकलाइज किया और ड्रॉएबल इमेज डाली, तो बहुत सारी चीजें बीच में होती है, वो लेआउट अपडेशन अपना काम करती है, तो ले देकर ये चार स्टेप्स होते हैं। इसमें से क्या क्या हम अभी कर चुके हैं, देखो सैम्पल प्रोडक्ट बना चुके हैं, लेआउट अपडेशन कर चुके हैं, लेआउट को बना दिया था, तो अभी हमारी जो ऐप हमने जहाँ पर रोकी थी वो इस टाइप का लेआउट प्रोवाइड करती थी। तो एक बार के लिए ऐप की तरफ चले, तो ये हमारी ऐप है, एक बार के लिए इसे चलाकर देखते हैं। तो जो मैं पहले से एमुलेटर चला रखा है, 2 मिनट के लिए उसे ऑफ कर देते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन दिस ऐप अगेन, जहाँ तक हमने छोड़ा था सिर्फ वही है, ठीक है। सो ये हमारा अभी ऐप है, इसके पीछे इस बटन पर क्लिक कर लो, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं इससे, क्योंकि तो ये क्या है, सिर्फ एक स्टार्टिंग ऐप है, हमने इसके अंदर कोई भी लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अब मूव करते हैं लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, अब मूव करते हैं लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो अपनी नज़र बनाकर रखो, एक्टिविटी मेन हो गया, इसका काम हो चुका है, स्ट्रिंग्स के अंदर हम काम कर चुके हैं, अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा, इसके अंदर ना कुछ फाइल, कुछ चीज़ें उन्होंने पहले से लिखी हुई, एक बार इनका मीनिंग समझते हैं। ये देखो, ये मेरी एक्टिविटी का नाम हो गया, तो दिस इज नथिंग बट नेम ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी फाइल। देखो एक्सटेंड्स ऐप कम बैक एक्टिविटी, तो बेसिकली ये आपके इनहेरिटेड फाइल है, इनहेरिटेड क्लास है, ठीक है, जिसको हमने एक्सटेंड किया है, क्लास को एक्सटेंड किया है, और इसके अंदर हमें इसे, हमने कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर एक उन्होंने फंक्शन पहले से लिख के दिया हुआ है आपको, ऑन क्रिएट, ये जो मेरा ऑन क्रिएट फंक्शन होता है ना, ये ऑन क्रिएट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, इसको ये मानकर चलो कि जब भी आपकी ऐप आप चलेगी ना, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन टू रन, सबसे पहला जो फंक्शन चलता है दैट इज ऑन क्रिएट, सबसे पहली पहल यही करता है, फर्स्ट फंक्शन टू एग्जीक्यूट, ठीक कोई भी काम होने से पहले सबसे पहले ऑन क्रिएट फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले ऑन क्रिएट फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर एक चीज पे मैं तुम्हारी नजर लेकर जाना चाहता हूं, वो है ये आर, ये जो छोटा सा वर्ड है ना, सिर्फ एक लेटर है आर, इसका एंड्रॉइड स्टूडियो में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है, इसके बिना ना काफी सारी चीजें नहीं हो पाती, अगर ये मेरे पास आर वाला मैजिक नहीं होता। एक बार देखते हैं कि आर है क्या। आर ना बेसिकली आपकी रिसोर्स फाइल है, आर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके रिसोर्स को, जो भी आपने लेआउट के अंदर बनाया, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप काम करते हो उसको ना एक फाइल मैनेज कर रही है आर, कैपिटल आर। तो जैसे जब भी एक्टिविटी को लेआउट के साथ कनेक्शन बनाना होता है, एक्टिविटी को लेआउट के साथ इंटरेक्शन करनी होती है, तो हम देखते क्या है कि एक्टिविटी ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी लेआउट को, एंड लेआउट से कुछ डेटा उठाया, तो ये मेरी एक्टिविटी है और ये हमारे पास यहाँ पे लेआउट फाइल। बीच में ना आर फाइल, जो आर है ना वो इंटरमीडिएट की तरह वर्क कर रहा होता है, एक्चुअली में एक्टिविटी कभी भी डायरेक्टली लेआउट फाइल को नहीं एक्सेस कर सकती, एक्टिविटी डायरेक्टली लेआउट फाइल को नहीं एक्सेस कर सकती, वो किसके थ्रू एक्सेस करती है, आर के थ्रू एक्सेस करती है। तो जो ये कैपिटल आर है ना, ये बेसिकली एक रिसोर्स मैनेजर मान के चलो, इसे जो भी आप लेआउट के बनाओ, लेआउट के अंदर जो भी कॉम्पोनेंट बनाओगे, जो भी जीयूआई कॉम्पोनेंट बनाओगे, तो उन सबको मैनेज करने के लिए आर। तो अगर मुझे एक्टिविटी से लेआउट में कुछ भी चेंज करवाना है, अगर मुझे एक्टिविटी से लेआउट में कुछ भी चेंज करवाना है, तो इसका मतलब क्या है, मैं उसके जीयूआई कंपोनेंट को चेंज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जीयूआई कंपोनेंट इन द सेंस जो भी आपने बटन बटन बनाया है, तो उसे क्लिक होने पे कुछ होना है, आपने कोई टेक्स्ट सेट करना है, कुछ भी काम करना है, तो आपके कॉम्पोनेंट्स को आपको विजिट करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंट के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी,
उन कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है बिना आर फाइल के। तो आर इज अ मैजिकल फाइल, हमारे लिए इतना काम आसान कर देगा, इतना काम आसान कर देगा कि वी नीड नॉट नो कि अंदर कैसे वर्क कर रहा है, बट ये चीज श्योर है कि आर फाइल है ना, जो आर कीवर्ड है, ये मेरे कंपोनेंट्स को एक्सेस करवा देता है इजीली। ठीक है, तो ये एक तरह से इंटरमीडिएटर, इंटरमीडिएट स्टेज मान लो, एक मीडिएटर की तरह वर्क कर रहा है, दोनों के बीच में आर फाइल की, आर फाइल है जो मुझे एक्सेस करने में हेल्प करती है मेरे जीयूआई कंपोनेंट को। एक बार के लिए देखते हैं अपने लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। ये बता क्या बता रहा है, आर रिसोर्स लेआउट के अंदर जाओ और उसके अंदर आपने बहुत सारे लेआउट फाइल्स बना रखी होगी, कौन से पहले लेआउट को सेलेक्ट कर लो, एक्टिविटी मेन। और सेट कंटेंट व्यू पता क्या करता है, सेट कंटेंट व्यू ये बोल रहा है कि आपकी जो ये मेन एक्टिविटी है ना, जो ये मेन एक्टिविटी फाइल है, ये किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग लेआउट फाइल कौन सी है, एक्टिविटी मेन। तो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ देखो एक बार, प्रोजेक्ट्स में मेरी लेआउट फाइल कौन सी है, एक्टिविटी मेन, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो इस लेआउट के लिए जो मैंने एक्सएमएल फाइल बनाई थी उसका मैंने कंटेक्स्ट सेट कर रखा है मेन एक्टिविटी के अंदर। तो इस तरीके से मेरी एक्टिविटी और मेन, अपने मेरी एक्टिविटी फाइल और लेआउट फाइल के बीच में कनेक्शन बैठता है। तो सेट कंटेंट व्यू तो वो ये बोल रहा है कि मेन एक्टिविटी की आप इस वाले लेआउट को यूज करो। ठीक है, एक बार के लिए बात करते हैं कि हमें करना क्या है। ये तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी कि एक्टिविटी फाइल के अंदर बेसिक चीज है क्या। देखो हमारी जो ऐप थी, ऐप के अंदर हमें करना क्या था, मेरे पास एक सेलेक्टर है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जूसेस है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे उसके मेन्यू प्रिंट, उसके आइटम्स प्रिंट करने हैं, जैसे कि जूसेस किस टाइप के हो सकते हैं आपके पास, अगर फ्रूट्स है तो फ्रूट्स किस टाइप के हैं, वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल्स किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले देखो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, स्टेप्स लिखते हैं एक बार, करना क्या क्या है। सबसे पहले टू डू, करना क्या है, डिस्प्ले, हमें डिस्प्ले करना है कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड कैटेगरी। तो जो भी आपकी कैटेगरी सेलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स को प्रिंट करना, डिस्प्ले करना, ये मेरा काम है। तो अब ना इसका ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली चीज ना जो आपके माइंड में, हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि सेलेक्टेड कैटेगरी, मेरे को अपने कंपोनेंट्स को विजिट करना पड़ेगा। तो एक बार अपने एक्टिविटी मेन की तरफ चलते हैं, जो मेरी एग्जाम्पल फाइल थी, इसके अंदर मैंने जितने भी कंपोनेंट्स बना रखे हैं ना, जितने भी कंपोनेंट्स बना रखे हैं, इन सभी को मेरी एक्टिविटी फाइल एक्सेस कर सकती है, इन सबकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकती है, प्रोवाइडेड एक क्लॉज है, जैसे कि जब भी हम स्कूल में जाते हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हमें आईडी कार्ड्स प्रोवाइड करे जाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने कंपोनेंट्स को भी, हमें अपने जीयूआई कंपोनेंट्स को भी एक प्रॉपर नेमिंग देनी पड़ेगी, एक आइडेंटिफाइंग नेम देना पड़ेगा। अब वो आइडेंटिफाइंग नेम कैसे देते हैं वो देखो, जैसे कि ये जो मैंने टेक्स्ट व्यू बनाया था, ये इसके अंदर मैंने मार्केट को प्रिंट किया है, तो यहाँ पर देखो मैं इसको आईडी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आईडी को ये मानकर चल लो कि एक तरह से आइडेंटिफाइंग नेम, मैं इसको आइडेंटिफाइंग नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पूरे पूरे ऐप की हेडिंग है, तो इसको मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी हेडिंग, कि ये हेडिंग है। ठीक है, ये एक स्पिनर है, तो
स्पिनर मतलब कि ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसके अंदर मेरी सारी सारी कैटेगरीज फिल्ड है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, या फिर जूसेस हो गया, कुछ भी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखो इसको मैं आईडी प्रोवाइड करता हूँ, तो इसकी आईडी है आइटम मेन्यू, जितने भी मेरे आइटम्स हैं उन सबका एक मेन्यू है, मैंने प्रॉपर नेम प्रोवाइड कर दिया इसको। तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं हमें, तो अच्छा मैंने अब उन्हें लगाया, आ गया एट द रेट प्लस आईडी आइटम मेन्यू, क्योंकि एट द रेट प्लस आईडी से वो बोलता है कि हमने इसको एक नेमिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो जो मेरा ये वाला टेक्स्ट व्यू है इसके अंदर मैं आइटम्स को डिस्प्ले करने वाला हूँ, कुछ आइटम्स को डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो देखो इसको मैं एक आईडी प्रोवाइड करता हूँ, तो आईडी सेट करता हूँ उसके अंदर मैं आईडी, लेट सपोज मैंने इसको आईडी दे दी डिस्प्ले, ये मेरे आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये है मेरी आइटम डिस्प्ले कहाँ पर मुझे करनी है, ये मैंने इसका नाम दे दिया इसको, ठीक है। और इमेज व्यू, ये मेरा एक बटन है तो इसको मैं एक बार प्रोवाइड कर देता हूँ आईडी एट द रेट, ठीक है। तो इसको आईडी ही बटन प्रोवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जबको मैंने आईडीज प्रोवाइड कर दी, अब ये इन इनको आईडीज प्रोवाइड करने से पता होगा क्या, इनको आईडीज प्रोवाइड करने से ये होगा कि अगर मुझे कोई भी कंपोनेंट मंगवाना है उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करना है किसके अंदर, अपने एक्टिविटी फाइल के थ्रू, अपने लॉजिक के थ्रू, तो मैं इजीली इनको कॉल कर सकता हूँ। मैंने एक तरह से इनको नेम्स प्रोवाइड कर दिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जब भी मैं इनको कॉल करूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, जो मैंने ये बटन बनाया है तो ये हमारी इमेज है बेसिकली, एक ये बटन है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये एक बटन की तरह एक्ट करे। तो देखो मैं किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा हूँ। देखो क्लिकेबल, क्या ये इमेज क्लिकेबल है, उसने बोला हाँ, तो मैंने इसको सेट कर दिया ट्रू, इसको क्लिक करा जा सकता है। दूसरी चीज इसके अंदर मुझे ये बताना पड़ता है कि ऑन क्लिक, जैसे इस बटन को अगर मैं क्लिक करूंगा, इस बटन को अगर मैं क्लिक करूंगा तो उससे क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या लॉजिक डिफाइन होगा। तो मेरे को ना कैसे मैं ये डिफाइन करता हूँ वो चीज देखो, मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ ऑन क्लिक। अब इस ऑन क्लिक के अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, मुझे उसकी हेल्प से इसका लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक पता क्या बता रहा है कि अगर इस बटन पे क्लिक किया गया तो आपको लॉजिक कौन लाकर देगा। तो मैंने लेट्स सपोज इसका नाम रख दिया ऑन क्लिक गेट सेलेक्टेड आइटम्स, या फिर ऑन क्लिक सेलेक्टेड आइटम सेलेक्टर, ऑन क्लिक सेलेक्टेड आइटम्स, मैंने इसका नाम सेट कर दिया। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इमेज व्यू बना दी, टेक्स्ट व्यू बना दी, तो स्पिनर टेक्स्ट व्यू। अब चलो अपनी एक्टिविटी मेन पे, मैंने क्या किया, इमेज व्यू को क्लिकेबल बना दिया। क्लिकेबल बनाने के बाद मैंने ये बोल दिया कि अगर इस वाले बटन पर क्लिक किया गया तो इसका लॉजिक कहाँ पर जाके ढूंढो, तो मैंने क्या नाम सेट किया है, ऑन क्लिक सेलेक्टेड आइटम्स। तो एक बार के लिए बात करते हैं, देखो जब भी मेरे पास एक ऑन क्लिक सेलेक्टेड आइटम्स है, ठीक है, तो देखो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका ना प्रॉपर सिंटैक्स उन्होंने हमें दे रखा है हमें कैसे लिखना है। अगर आप अपने लॉजिक को डिफाइन करना चाहते हो तो देखो कैसे करेंगे, पब्लिक स्टैटिक, सॉरी पब्लिक स्टैटिक नहीं आएगा, पब्लिक वॉइड, जो भी आपने फंक्शन का नाम दिया है ऑन क्लिक के अंदर, आपने जो भी अपने फंक्शन का नाम दिया है, तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है, ऑन क्लिक सेलेक्टेड
सेलेक्टेड आइटम्स, ऑन क्लिक सेलेक्टेड आइटम्स, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर नेमन जो उसका नाम है, ढंग से देखना, लेटर बाय लेटर, वी कैपिटल, यू, मैंने ऑन क्लिक पे ये सेट किया था। जब भी बटन पे क्लिक करूंगा तो इस वाले फंक्शन के पास जाओ, जो लॉजिक इसके अंदर इंप्लीमेंटेड है वो मेरा लॉजिक मेजर है। तो लॉजिक को डिफाइन कैसे करते हैं, कहाँ पर डिफाइन करते हैं, उसके लिए मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जो भी मेरा ऑन क्लिक फंक्शन का नाम है वो यहाँ पर आएगा, पब्लिक वॉइड कैपिटल वी आई ई डब्ल्यू, वी आई ई डब्ल्यू। तो जो ये व्यू है ना, ये बेसिकली एक क्लास फाइल है, क्लास फाइल है जिसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। तो एक बार करें सिंटैक्स को एज इट इज लिखते हैं। तो अभी थोड़ी फेथ बेस्ड लर्निंग, मैं चाहता हूं कि जो भी मैं जब भी ऑन क्लिक करूं तो मेरा काम यहां पर पब्लिक वॉइड ऑन, नाम क्या दिया था, जब भी बटन को क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक सेलेक्टेड आइटम्स, क्या भेजते हैं इसके अंदर, वी आई ई डब्ल्यू एंड उसका कोई भी रेफरेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये रेड पॉइंटर दिखा रहा है, बोल रहा है कि आप अगर इस क्लास फाइल को यूज करना चाहते हो तो आपको इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ऑल्ट एंटर, ये मेरी फाइल इंपोर्ट हो, एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट कैपिटल वी आई ई डब्ल्यू। ये बेसिकली क्लास फाइल है जो अपने साथ बहुत सारे फीचर्स लेकर आती है, मुझे इसका यूज करना है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देखेंगे बाद में, अभी के लिए चलो यहाँ पे एक्टिविटी मेन में ऑन क्लिक में पहले देखो, जब तक मैंने इसको डिफाइन नहीं किया था, जब तक मैंने इसका लॉजिक डिफाइन नहीं किया था तो यहाँ पे रेड कलर शो कर रहा था। तो काफी स्मार्ट एडिटर है। देखो मैंने अपने कोड को कमेंट कर दिया, अब देखो यहाँ पे वो रेड कलर शो कर रहा है। इसका मतलब कि जो भी आपने, देखो क्या लिखा आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग मेथड हैंडलर पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक सेलेक्टेड आइटम्स नॉट फाउंड। जो ये पब्लिक हैंडलर है, जो इसको आपने ऑन क्लिक लिख तो दिया पर वो बोल रहा है कि जहां पे इसका लॉजिक डिफाइन होना चाहिए था वो वाला फंक्शन मुझे मिला ही नहीं, तो मुझे वो वाला फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। वो क्रिएट करने के लिए मैंने ये वाली लाइंस लिखी, ये वाला सिंटैक्स प्री डिफाइंड है, मुझे ये वाले सिंटैक्स को एज इट इज यूज करना पड़ेगा। ऑन क्लिक फंक्शन बटन की मेथड, बटन को क्लिक होने पर, बटन को क्लिक होने पर क्या काम करना है उसको उसको डिफाइन करने के और भी तरीके होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वे। बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लॉजिक कैसे डिफाइन करूँ, तो जो भी मैं लॉजिक यहाँ पे लिखूंगा ना, जो भी मैं लॉजिक यहाँ पे लिखूंगा, मेरा ऐप उस तरीके से बिहेव करेगा। जब मैं उस बटन को क्लिक करता हूँ, जो भी लॉजिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा ऐप उस तरीके से बिहेव करेगा कि मुझे क्या करना है उस बटन पे क्लिक करने पे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी मैंने ये डिफाइन कर लिया कि अपना मुझे लॉजिक कहाँ पे लिखना है, तो मुझे इस फंक्शन के अंदर अपना मेन लॉजिक लिखना है। वो लॉजिक क्या लिखना है ये चीज एक बार फिगर आउट कर, तो एक बार के लिए देखो। तो देखो मेरे पास जो मेरा नेक्स्ट टास्क होने वाला है वो कुछ ऐसा है, ये एक टेक्स्ट व्यू है, इसका मुझे कोई काम नहीं है, इसका मेरे लॉजिक में कोई कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं। मुझे जिस बात से फर्क पड़ता है, क्या पड़ता है मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब भी मैं अपने बटन को क्लिक करता हूँ, जब भी मैं अपने बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरे कोड को क्या करना चाहिए, मेरे कोड को ये चेक करना चाहिए कि अभी मेरा जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसके अंदर कौन सा आइटम सेलेक्टेड है। लास्ट स्टेप, गेट सेलेक्टेड आइटम, या फिर गेट कैटेगरी,
स्पिनर, अपने स्पिनर से कैटेगरी को लेकर आओ कि आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा मेजर स्टेप क्या होगा, अभी मैं बहुत हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर और भी प्रोसेसेस होंगे। दूसरा हाई दूसरी चीज क्या होगी, उस कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आइटम्स को प्रिंट करना है। तो सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, डिस्प्ले आइटम्स अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड कैटेगरी। अपनी सेलेक्टेड कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अपने आइटम्स को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो इन दो स्टेप्स को फुलफिल करने के लिए, जो पहली चीज पता है क्या आ गई, सबसे पहली चीज जो हमारा बॉटलनेक क्रिएट करेगी वो ये करेगी कि मैं अपने एक्टिविटी में रहते हुए अपने इन कॉम्पोनेंट्स से इंटरेक्ट कैसे करूँ, इन कॉम्पोनेंट्स को कमांड कैसे दूं। तो वो चीज कैसे करते हैं, एक बार के लिए जरा ध्यान से सुनो। मैं क्या करूंगा, जो ये एक्टिविटीज, जो ये मैंने कॉम्पोनेंट्स बनाए हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवा लूंगा। देखो मेरे कहने का मतलब क्या, जो ये मेरे कॉम्पोनेंट्स है, ये वाला कॉम्पोनेंट मेरा किस टाइप का है, जो डिस्प्ले वाला कंपोनेंट है वो मेरा टेक्स्ट व्यू टाइप का है, टेक्स्ट व्यू टाइप स्पिनर। तो देखो इनके ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं अपने एक्टिविटी फाइल के अंदर। तो पहला स्टेप क्या होगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ अभी, रेफरेंसेस, अगर आपने थोड़ा जावा का कंसेप्ट है, रेफरेंसेज एंड इंस्टेंसेज, तो रेफरेंसेज डिफाइन कर रहा हूँ अभी तुम्हें। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मैं एक रेफरेंस डिफाइन करता हूँ स्पिनर नाम का, ठीक है। इसका नाम मैंने, इसका मैंने रेफरेंस दिया स्पिनर, इसको मैंने एडिटर छोड़ दिया और, ठीक है। और मैंने एक रेफरेंस और डिफाइन किया टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू प्राइवेट। तो देखो इधर अपना कोड लेकर आते हैं, जैसे यहीं पे लिख दिया, देखो यहीं पे समझते हैं क्या हो रहा है। जो ये लाइन है स्पिनर स्पिनर, ये पता क्या बोल रही है कि आपने, हमने क्या किया इसके अंदर, हमने एक स्पिनर वेरिएबल बनाया है, हमने एक स्पिनर रेफरेंस बनाया है जो किसका ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा, हर स्पिनर टाइप की चीज का। स्पिनर एक रेफरेंस है जो किसका, किस कंपोनेंट को स्टोर कर सकता है, स्पिनर टाइप के कंपोनेंट को। तो नाम मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, अपना नाम कोई भी, यहाँ पे आप नाम कोई भी यूज कर सकते हो, बट ये स्पिनर क्लास है, इसको हमें एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट व्यू एक क्लास है, इसको मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट व्यू को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, पहले मैंने उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया। तो मैंने बोला कि दो रेफरेंस क्रिएट कर लिए, एक स्पिनर जो स्पिनर टाइप, जो स्पिनर क्लास का है, और एक टेक्स्ट व्यू क्लास का रेफरेंस मैंने क्रिएट कर लिया। अभी मैंने सिर्फ रेफरेंसेस क्रिएट किए, जो रेफरेंसेज होते हैं वो तो सिर्फ एक खाली स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली में उसके अंदर मैंने अभी तक ऑब्जेक्ट को पुट नहीं करवाया, अभी तक मैंने उसको ऑब्जेक्ट को पुट नहीं करवाया। तो देखो अब ऑब्जेक्ट को कैसे पुट करवाते हैं, नेक्स्ट लॉजिक सुनो। इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या होगा, मैंने रेफरेंसेस क्रिएट कर दिए, अभी तक मैंने इन रेफरेंसेस को अपने लेआउट से कनेक्ट नहीं किया, देखो लेआउट से कैसे कनेक्ट करते हैं, जो ये ऑन क्रिएट फाइल है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होती है, तो एक ही बार एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या होगा, स्पिनर क्या था, मेरा रेफरेंस था स्पिनर कंपोनेंट का,
इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि कौन से वाले कंपोनेंट को कनेक्ट करवाना चाहता हूँ जो मैंने लेआउट के अंदर डिफाइन किया है। तो जो मैंने लेआउट के अंदर स्पिनर कंपोनेंट डिफाइन किया है उसका नाम क्या है? स्पिनर कंपोनेंट का नाम है आइटम मेन्यू। आइटम्स का मेन्यू क्या है? बेसिकली इनको आइटम्स लिख दिया गया है। आइटम्स का मेन्यू क्या है? तो देखो इसको यूज कैसे करते हैं। एक फंक्शन होता है फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी। अब ये फंक्शन पता करता क्या है? ये फंक्शन आपको बोलता है कि आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने कंपोनेंट की आईडी बताओ और मैं आपको उससे कनेक्ट करवा दूंगा। आप मुझे सिर्फ अपने कंपोनेंट की आईडी बताओ, मैं आपको उससे कनेक्ट करवा दूंगा। प्रोवाइडेड, एक चीज का ध्यान रखना, आपने जिस टाइप का रेफरेंस बनाया है, आपने जिस टाइप का ये वेरिएबल बनाया है, आपको उसी टाइप के कंपोनेंट के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जहां पे मैं जो आईडी यूज करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ किस टाइप की हो सकती है? स्पिनर टाइप की आईडी ही हो सकती है। तो देखो इसको यूज कैसे करते हैं। कैपिटल आर डॉट आईडी डॉट, मैंने आईडी का नाम क्या दिया था? आइटम्स मेन्यू, आई टी ई एम एस, आइटम्स मेन्यू मेरी आईडी बन के आ गई। तो इससे पता क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा, मैंने इस लाइन से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को बोल दिया, ये कमांड दे दी, जो मैंने ये स्पिनर वेरिएबल बनाया है ना, इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ अपनी लेआउट वाले स्पिनर से, इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने लेआउट वाले स्पिनर से। और सिमिलरली मैं अपने टेक्स्ट व्यू को भी कनेक्ट करना चाहता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट व्यू है, मैं कौन से वाले टेक्स्ट व्यू को कनेक्ट करना चाहता हूँ? देखो जो मेरी हेडिंग है उसके टेक्स्ट व्यू को कनेक्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है, मेरे को हेडिंग कभी चेंज करनी ही नहीं। मेरे को चेंज क्या करना है? अपना ये डिस्प्ले वाला टेक्स्ट व्यू, डिस्प्ले वाला टेक्स्ट व्यू चेंज करना है ना, तो मैं इसकी वाली आईडी यूज करूंगा। इसकी आईडी क्या है? आइटम को डिस्प्ले करने के लिए मैंने इसको आईडी प्रोवाइड करी है, तो इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, मैंने नाम क्या दिया था उसको? आइटम डिस्प्ले। तो देखो इस लाइन से मैंने क्या लिखा, लेआउट के साथ कनेक्ट कर दिया किसको? स्पिनर फाइल को। तो इससे मैंने स्पिनर स्पिनर कंपोनेंट को कनेक्ट कर दिया। कहां, कौन से स्पिनर कंपोनेंट? ऑफ द लेआउट फाइल। कौन सी लेआउट फाइल? जो मैंने यहां पे डिफाइन कर रखी है आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी में, ऑफ द लेआउट फाइल एक्टिविटी में। ठीक है, एंड सिमिलरली नीचे वाली लाइन से मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना टेक्स्ट व्यू कनेक्ट कर दिया। मैंने कनेक्ट कर दिया टेक्स्ट व्यू कनेक्ट कर दिया। अब देखो इतने कोड से हुआ क्या, अपने इस कोड को लेकर चलते हैं। ओके, ये मेरा कोड है और ये मेरी एक बार मैंने लेआउट फाइल भी ले आते हैं, सॉरी जो मैंने अभी लेआउट डेवलप किया ना, तो ये लेआउट मैं डेवलप कर चुका हूँ। तो देखो अब इससे हुआ क्या, मैंने इसको आईडी प्रोवाइड कर रखी है, इसको कुछ आईडी प्रोवाइड कर रखी है और इसको कुछ आईडी प्रोवाइड कर रखी है, इन चारों को कुछ ना कुछ आईडी प्रोवाइडेड है। सबसे पहले क्या किया, जब भी हम फाइल देखो रन कैसे करती है जावा की, थोड़ा सा इनसाइट देता हूँ। सबसे पहले क्या करेगा, वो एक स्पिनर रेफरेंस क्रिएट कर देगा। तो ये एक स्पिनर रेफरेंस है, किस नाम से है? एस पी आई डबल एन ई आर, तो एस स्मॉल है, एस पी आई डबल एन ई आर। अभी इसमें नल पड़ा हुआ, नल पड़ा होने का मतलब पता है क्या है, अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ, इनिशियली सबसे पहले ये कनेक्ट नहीं हुआ होता, एंड सेम हाल होता है टेक्स्ट व्यू का। तो मैंने जो टेक्स्ट व्यू का नाम यहाँ पे दिया है वो वाला वेरिएबल भी अभी कनेक्ट नहीं हो रहा था। अभी ये दोनों मेरे कनेक्ट नहीं हो रखे अपनी इन कंपोनेंट्स के साथ। मुझे पता है कि ऑन क्रिएट फंक्शन सबसे पहले चलता है,
मेरे जब भी मेरी ऐप रन होती है तो ऑन क्रिएट फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले रन कर जाता है। तो ऑन क्रिएट फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो उसने बोला कि अपनी लेआउट फाइल सेलेक्ट कर लो। तो ये क्या करती है, अपनी सेलेक्ट लेआउट, इस एक्टिविटी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वाली लेआउट फाइल है, लेआउट फाइल सेलेक्ट कर ली। लेआउट फाइल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करता हूँ मैं बोलता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे अपने स्पिनर और टेक्स्ट व्यू बनाए हैं इनको कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट कर दो, अपने जो मेरा जीयूआई कंपोनेंट है उसकी आईडी की मदद से। तो देखो ये जो फंक्शन है फाइंड व्यू बाय आईडी, बहुत ही ऑसम फंक्शन है। कैसे वर्क करता है इंटरनली हमें जानने की कोई नीड नहीं है, ना ही हमें इससे फर्क पड़ता है। हमें सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि ये मेरे कॉम्पोनेंट के ऑब्जेक्ट को उठा के इसमें रख दे, मतलब कि एक तरीके से मेरे कॉम्पोनेंट को कनेक्ट कर दे। तो फाइंड व्यू बाय आईडी आर, देखो फाइंड व्यू बाय आईडी लिखते सर यहाँ पे देखो ये क्या एक्सेप्ट करता है, आईडी ऑफ द कंपोनेंट। और आईडी ऑफ द कंपोनेंट आपका कैसे मिलती है, लिखना आपको इस तरीके से पड़ेगा, आर डॉट आईडी डॉट आपकी आईडी क्या है। जो भी बस मैं आईडी प्रोवाइड करूंगा, जो भी मैं आईडी प्रोवाइड करूंगा, इस फंक्शन का काम पता है क्या है, इस फंक्शन का काम ये है मेरे लेआउट के अंदर जाता है। जैसे मैंने इसमें आइटम आईडी दी है आइटम्स मेन्यू, तो जितने भी मैंने कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं उन सभी कंपोनेंट्स से पूछेगा कि आप में से आइटम्स मेन्यू कौन है। तो इन सबको इन यूनिक नेम प्रोवाइड करने का फायदा क्या हुआ, मुझे मैं इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाया कि आइटम्स मेन्यू तो ये है। तो बोलता है कि जो आपका आइटम्स मेन्यू है उसको ये रिटर्न कर, उसको उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ऑब्जेक्ट मतलब कि अब मैं अपने एक्टिविटी वाली फाइल से इसको यूज कर पाऊंगा, ये इससे कनेक्ट हो गया। मैं एक्टिविटी फाइल से अपने लॉजिक की मदद से इसको यूज, इसकी वैल्यूज को देख पाऊंगा या फिर इसके अंदर जो भी मुझे प्रॉपर्टीज चेंज करनी है वो मैं कर पाऊंगा, लॉजिक डेवलप करने में हेल्प करेगा। एंड सिमिलरली नेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आइटम्स डिस्प्ले, तो मेरा टेक्स्ट व्यू है वो किससे कनेक्ट हो गया इसके साथ। तो स्पिनर के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ गया, टेक्स्ट व्यू के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ गया, स्पिनर अब किससे कनेक्टेड है। तो ये देखो जो मैंने अपनी फाइल्स क्रिएट करी थी, मैंने अपने रेफरेंसेस क्रिएट किए थे, स्पिनर कनेक्टेड है अब इससे और टेक्स्ट व्यू कनेक्टेड है अब इससे। दोनों अब नल से इनिशियलाइज नहीं, दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। कौन से ऑब्जेक्ट, जो मैंने लेआउट फाइल के अंदर बना रखे उन कॉम्पोनेंट्स के। फाइंड व्यू बाय आईडी हो गया। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज क्या है, अपने लॉजिक पर चलते हैं। गेट द कैटेगरी फ्रॉम द स्पिनर, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि स्पिनर में मैंने कौन से आइटम को सिलेक्ट कर रखा है, स्पिनर में कौन से आइटम को सिलेक्ट कर रखा है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि आइटम कौन से सिलेक्टेड है मेरे स्पिनर के अंदर, मेरे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, पहले मैंने अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू को अपने एक्टिविटी फाइल में कनेक्ट करवा लिया, एक कनेक्शन बना लिया। अब देखो क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है मेरे पास, करते करते एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा ज्यादा इंसाइट मिलेगी। जो भी मेरा मेन लॉजिक है, जो भी मेरा मेन लॉजिक है मुझे कहाँ पे लिखना है, ऑन सिलेक्टेड आइटम्स इस वाले फंक्शन के अंदर। तो जो भी मैं लॉजिक यहाँ पे लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली तब चलेगा जब मैं अपने बटन पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, स्पिनर डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, मुझे पता है क्या लाकर देता है, स्पिनर डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम ये लाकर देता है कि मैंने अभी अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में किसको सेलेक्ट कर रखा है, ये मुझे लाकर दे देगा। और इसको मुझे कहीं पे स्टोर करवा के रखना पड़ेगा। तो देखो जो भी मुझे सेलेक्ट अपने मेन्यू में से मैंने जिसको सेलेक्ट कर रखा है, मेन्यू में से जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है अगर वो मुझे मिल जाता है तो उसको मैं ना एक कैटेगरी नाम की वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, कैटेगरी नाम की वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। कायदे के हिसाब से ये वाली चीज चलनी चाहिए थी, कायदे के हिसाब से ये वाली चीज चलनी चाहिए थी, पर चलती क्यों नहीं। ये देखो लाइन को रीड करते हैं, उसने बोला है कि रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने कैटेगरी किस टाइप की बनाई है, स्ट्रिंग टाइप की, पर मुझे मिला क्या, एक ऑब्जेक्ट, मुझे मिला क्या, एक ऑब्जेक्ट। तो गेट सेलेक्टेड आइटम ना मेरे को पूरी पूरी वैल्यू तो लाकर देता ही देता है, पर वैल्यू के साथ साथ पूरा उसको एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेकर आता है, मुझे उस ऑब्जेक्ट को
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, तो स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ जो भी मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ वाले फंक्शन में डाल दिया। अब जरा ध्यान से देखो, स्पिनर डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम्स से जो भी आइटम आया वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा था, मुझे उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस लाइन का यूज करके, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। तो दो फंक्शंस की यहां पे बात हो रही है, सबसे पहला क्या है, स्पिनर डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम्स। ये जो फंक्शन है इसका पर्पस क्या है, टू रिटर्न द सेलेक्टेड आइटम ऑन दी स्पिनर, जो भी मैंने अपने स्पिनर में सेलेक्ट कर रखा है। मोर थोड़ा और करेक्टली लिखते हैं इसको, टू रिटर्न करेंटली सेलेक्टेड आइटम। सेलेक्टेड आइटम तो है पर वो अभी सेलेक्ट हुआ है, तो करेंटली सेलेक्टेड आइटम, ठीक है, फ्रॉम स्पिनर, या फिर ये लिख सकते हो ड्रॉप डाउन मेन्यू, सिर्फ हमारी समझने के लिए इस फंक्शन का ये पर्पस है। दूसरा फंक्शन जो मैंने लिखा है उसका मतलब देखो, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन का नाम पता क्या है, यहां पर मैं जो भी एलिमेंट पास करता हूँ ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो भी एलिमेंट पास करता हूँ उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जो मेरा स्पिनर डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम होता है ये मुझे रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये वाला फंक्शन यूज करना होता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए वाला फंक्शन यूज कर लिया। अब मेरा ये मानना है कि ये लाइन लिखने से ना मुझे ये पता चल गया, कि मेरी कैटेगरी कौन सी है। मैंने अभी अपने मेन्यू में कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट कर रखा है, मेरे को ये पता चल गया। इस चीज को चेक करने के लिए देखो क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ टेक्स्ट व्यू अभी किसको पॉइंट कर रहा है, जो मेरा ये टेक्स्ट व्यू वाला रेफरेंस है ये किससे कनेक्टेड है, डिस्प्ले वाले लॉजिक से। अब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, देखो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, जो मेरा स्पिनर था वो कनेक्टेड था मेरे ड्रॉप डाउन मेन्यू से, जो ये टेक्स्ट व्यू था ये उस कंपोनेंट से कनेक्टेड था जिसके अंदर मुझे आइटम्स को डिस्प्ले करना था। तो ये जहां पे मुझे डिस्प्ले करना है ना उसके लिए लॉजिक बता रहा हूँ। देखो किसी भी टेक्स्ट व्यू के अंदर अगर आपको कुछ भी डिस्प्ले करना होता है तो मैं इस फंक्शन का यूज कर सकता हूँ, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। इसके अंदर मैं जो भी स्ट्रिंग पास करूंगा ना ये मेरे उस डिस्प्ले के अंदर जाके सेट हो जाएगी, देखो उस व्यू के अंदर जाके सेट हो जाएगी। तो मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे अभी अपनी कैटेगरी को ही प्रिंट करवाता हूँ, कैटेगरी को ही डिस्प्ले करवाता हूँ। तो एक बार के लिए पहले चलाकर दिखाता हूँ, जब ये चल जाएगा तब इसका लॉजिक एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है। कोड चल रहा है, देखो यहाँ पर मैंने कोई भी अपना आइटम सेलेक्ट किया, जूसेस सेलेक्ट कर रखा है, इसका कोई नाम होगा ना, तो जब भी मैं अपने इस ब्लू वाले बटन पर क्लिक करूंगा इसका काम पता है क्या होगा, स्ट्रिंग कैटेगरी, अपनी कैटेगरी निकालना मैंने किसको सेलेक्ट कर रखा है। सबसे पहले क्या किया, स्पिनर डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम से मुझे क्या मिलेगा कि मैंने कौन से आइटम को सेलेक्ट कर रखा है,
पर मुझे उसकी स्ट्रिंग फॉर्मेट नहीं मिलेगी, मुझे उसकी ऑब्जेक्ट वाली फॉर्मेट मिलेगी। ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये वाला फंक्शन यूज कर लिया, अब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस से मैंने उसी कैटेगरी को कहाँ पे प्रिंट कर दिया, अपने टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो एक्चुअली जो मेरा ये टेक्स्ट व्यू है ना, ये मेरे डिस्प्ले वाले एरिया में प्रिंट होगा। एक बार चलाकर देखें, तो देखो जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है जूसेस को प्रिंट कर दिया। अगर मैंने वेजिटेबल सेलेक्ट कर लिया और एरो क्लिक अपने बटन पे क्लिक करता हूँ तो कौन सेलेक्ट हो जाएगा मेरा, कौन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, वेजिटेबल्स। तो ये वाला लॉजिक मेरा तब वर्क करता है जब मैं अपने ब्लू वाले बटन पे क्लिक करता हूँ जूसेस, ब्लू वाले बटन पे क्लिक नहीं करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने एक्सएमएल के अंदर अपने लेआउट के अंदर चेंजेस करते रहो, कोई ज्यादा चेंज ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही मैं अपने बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही अपने बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैंने डिफाइन कर रखा है कि जब भी आपका बटन क्लिक हो कहाँ पर जाओ, ऑन क्लिक सेलेक्टेड आइटम्स पे मैंने क्या कर रखा है, पहले अपने कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है और फिर अपने डिस्प्ले के अंदर अपनी कैटेगरी को ही प्रिंट कर दिया। मैंने अभी पूरा काम नहीं किया, अभी मैंने सस्ता जुगाड़ करके दिखाया कि आपको ये दिख सके कि मेरा कोड वर्क कैसे कर रहा है। फाइल को उठाया, मैंने इसके अंदर रन कर दिया, जो भी सेलेक्ट कर रखा है उसको ये प्रिंट कर दिया। अब एक बार के लिए अपना आगे मूव करते हैं कि मुझे अपने लॉजिक में कन्वर्ट करना है। अब मैं अपने लॉजिक में ये चीज तो इसीलिए कर पा रहा हूँ, मेरे को ये पता चल जाता है कि मैंने कौन सा वाला आइटम सेलेक्ट कर रखा है, मैंने अपने मेन्यू में कौन सा वाला आइटम सेलेक्ट कर रखा है, मुझे ये पता चल जाता है। अब मेरे को उस आइटम के कॉरेस्पॉन्डिंग, उस कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आइटम्स को प्रिंट करना है, उस कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आइटम्स को प्रिंट करना है। तो देखो वो कैसे करते हैं, तो जैसे कि मैंने कोई भी कैटेगरी मिलती है, मुझे कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, आइटम्स चाहिए। देखो ये वाला काम कैसे करते हैं, मैं एक फंक्शन लिखूंगा, उस फंक्शन का पर्पस क्या होगा, वो कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स को एक स्ट्रिंग में डाल के रिटर्न करेगी। कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ला कर देगी कि उस कैटेगरी में कौन कौन से आइटम्स होने चाहिए। तो एक बार के लिए वो वाला लॉजिक इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग, प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग गेट आइटम्स, गेट आइटम्स मेरे फंक्शन का नाम है। इसके अंदर मैं क्या पास करता हूँ, अपना कैटेगरी। तो बेसिकली जो मेरी ये वाली कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी है, मेरी सेलेक्टेड कैटेगरी। तो नाम चेंज, थोड़ा अच्छा नाम यूज करते हैं, सेलेक्टेड कैटेगरी। एंड यहाँ पर मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा फिर, मुझे अपना गेट आइटम्स फंक्शन का काम क्या है, अपने सेलेक्टेड कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स को रिटर्न करना। तो देखो मेरी सेलेक्टेड कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है, तो मेरी ये कैटेगरी है, ये कौन कौन सी हो सकती है, जो मेरे इस मेन्यू के अंदर है, और मेन्यू के अंदर मैंने कौन कौन से आइटम्स डिफाइन कर रखे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जूसेस। तो देखो मैं चेक करता हूँ, अगर मेरी कैटेगरी जो मेरे को सिलेक्टेड कैटेगरी मिल रही है वो किसके बराबर है, तो स्ट्रिंग के अंदर हमेशा हम इक्वल्स फंक्शन यूज करते हैं। अगर वो बराबर है जूसेस के, मतलब कि अगर मैंने कौन सी वाली कैटेगरी सिलेक्ट करी है, जूसेस की, तो मैं इस वाले इफ कंडीशन में जाऊंगा। अगर मैंने सेलेक्ट कर रखी है, जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है वो किसके बराबर है, फ्रूट्स के, तो मैं इस वाली कैटेगरी में, इस वाले इफ ब्लॉक में जाऊंगा। और अगर मैंने कैटेगरी डॉट इक्वल्स
जो मेरी सिलेक्टेड कैटेगरी है वो मेरी वेजिटेबल्स हुई, तो मैं इस वाले ब्लॉक में जाऊंगा। अब इस वाले फंक्शन का काम पता है क्या है, इस वाले फंक्शन का काम ये है कि अपनी स्ट्रिंग प्रिपेयर करना, अपने आइटम्स को प्रिपेयर करना, उसको एक स्ट्रिंग में डालना और उसे रिटर्न करना। तो कैसे करते हैं, मैंने अपना एक स्ट्रिंग आइटम लिस्ट नाम का वेरिएबल बना लिया। अब मैं इस आइटम लिस्ट को प्रिपेयर करता हूँ। अगर मान लो मैं जैसे जूसेस वाली कैटेगरी में आता हूँ, तो लेट सपोज मेरे पास शॉप के अंदर जूसेस पड़े हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला तो है एप्पल जूस, पहला है एप्पल जूस, देन मेरे पास है backslash n। तो ये जो प्लस है ना बेसिकली, तो प्लस ऑपरेटर से क्या होता है, स्ट्रिंग्स में कंकैटिनेट हो जाती है। तो मेरे पास एप्पल जूस पड़ा है, लेट सपोज मार्क शॉप के अंदर, मेरे पास लेट सपोज ग्रेप जूस है, पता नहीं होता भी नहीं होता, backslash n, ऑरेंज जूस, ठीक है। तो इनको ना मैं डिफरेंट डिफरेंट लाइन क्यों लिख देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। तो मैंने इनको डबल लाइन्स में लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली लेट सपोज अगर मेरे पास कैटेगरी फ्रूट्स की होती, तो मेरे पास लेट्स बस कौन कौन से फ्रूट्स पड़े हैं, लेट सपोज मेरे पास एप्पल पड़ा है, और लेट सपोज ऑरेंज है, ठीक है, और मेरे पास ग्रेप्स है, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो, ग्रेप्स हो गया, और लेट सपोज backslash n पास बनाना है, ठीक है। तो मैं ये बैक स्लैश एन किस लिए लगा रहा हूँ, ताकि ये अलग अलग लाइंस में आए। अगर मैं बैक स्लैश एन नहीं लगाऊंगा तो ये सारे सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। और प्लस ऑपरेटर किस लिए है, दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने के, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अगर मेरे पास वेजिटेबल्स हैं तो आइटम्स लिस्ट के अंदर मैंने अपनी वेजिटेबल्स डाल दी, तो कुछ भी वेजिटेबल्स बोल दो, लेट सपोज पोटैटो, ठीक है, या फिर मेरे पास या फिर backslash n onion, ठीक है। तो मैंने अपने आइटम्स प्रिपेयर कर लिए ऐसे। ये बहुत ही ब्रूट फोर्स तरीका है इस तरीके से आइटम्स प्रिपेयर करने का, बट अभी सर हमारी फर्स्ट ऐप है, तो लेट इट बी। जैसे जैसे हम आगे अपनी एक्टिविटीज को इम्प्रूव करते रहेंगे, तो अपने लॉजिक भी हमारे साथ साथ इम्प्रूव होते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने ये लॉजिक लिखा, ठीक है। तो मैंने ये आइटम लिस्ट बना रखी है, मैंने अपने आइटम्स प्रिपेयर कर दिए। अब देखो ये वाला फंक्शन क्या करता है, ये वाला फंक्शन मेरे सेलेक्टेड कैटेगरी वाली आइटम्स को एक्सेप्ट बोलेगा। तो मैंने गेट आइटम्स, मैंने अपने आइटम्स मंगवा लिए अपनी सेलेक्टेड कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। और अब मेरे को उन आइटम्स को प्रिंट करना है, तो उनको आइटम्स को डिस्प्ले कैसे करते हैं, तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, देखो वही वाली चीज, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, मैं इसके अंदर इसको सेट करना चाहता हूँ, तो ले देखिए ये लॉजिक है, एक बार इसे चलाकर देखते हैं, फिर इसका फाइनल ड्राई रन।
है, तो चल गया। देखो मैंने फ्रूट्स सेलेक्ट कर रखा है, अपने बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स बनाना। अगर मैंने वेजिटेबल सेलेक्ट कर रखा है तो क्या प्रिंट होगा, पोटैटो टोमेटो अनियन। अगर मैंने सेलेक्ट कर रखा है जूसेस तो क्या प्रिंट होगा, मेरे जूसेस प्रिंट हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, टेक्स्ट बहुत छोटा आ रहा है, टेक्स्ट बहुत छोटा आ रहा है, तो ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं हम, एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल से। तो ये वाला टेक्स्ट व्यू है ना मेरा, इसका मैं चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट जो भी इसके अंदर फ्यूचर में आए उसका साइज बड़ा हो, तो टेक्स्ट साइज चेंज कर दो। लेट्स सपोज मैं इसमें रख देता हूँ 20 dp। तो एक बार अब चलाकर देखते हैं क्या मेरा टेक्स्ट साइज बड़ा होगा। मिनट तोड़ दो यार पुरानी आपको, ठीक है। तो फ्रूट्स है, अब थोड़े आइटम्स बड़े बड़े आ रहे हैं। अभी भी मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे सारे आइटम्स मेन्यू के मतलब स्क्रीन के सेंटर में आए। तो स्क्रीन के सेंटर में कैसे आते हैं, तो ग्रेविटी का यूज करेंगे। क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि इस लेआउट के अंदर जो मैंने कंटेंट लिखा है, कंटेंट सेंटर में आए, तो मुझे ग्रेविटी का यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे ये चीज करनी होती कि पूरा पूरा लेआउट ही सेंटर में आए, तो मैं लेआउट ग्रेविटी यूज करता। तो ग्रेविटी लेट्स सपोज मैंने यूज करी सेंटर, तो एक बार अब देखूं चलाकर देखे, हमारे सारे सारे आइटम्स सेंटर में आ। तो जो भी आइटम सेलेक्ट करोगे उससे कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके आइटम्स प्रिंट होते रहेंगे। अब देखो हुआ क्या, एक एक करके ना स्टेप्स को एक बार विजिट कर लेते हैं। तो ये मेरी ऐप है, ठीक है। सबसे पहली चीज मेरी ऐप रन कैसे कर रही है, ठीक है। तो मेरे पास एक लेआउट फाइल है और एक एक्टिविटी फाइल, ठीक है। तो एक्टिविटी फाइल ने सबसे पहले क्या किया, अपने लेआउट के पास गया। अपना लॉजिक समझा रहा हूँ, देखो लॉजिक में हुआ क्या, एक्टिविटी फाइल लेआउट फाइल के पास गया और लेआउट फाइल के कौन से वाले कंपोनेंट के पास गया, लेआउट फाइल के मैंने दो कंपोनेंट सेलेक्ट कर रखे हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन सेलेक्ट कर रखे हैं, इसके चार कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, पहला कंपोनेंट मार्केट, इसको मैंने किस नाम से बुला रखा है, हेडिंग के नाम से। दूसरा कंपोनेंट क्या है मेरा, आइटम्स मेन्यू, इसका नाम मैंने दिया था आइटम मेन्यू। तीसरा कंपोनेंट मैंने क्या बुला रखा है, आइटम डिस्प्ले। और चौथा कंपोनेंट क्या था हमारा, बटन। बटन के अंदर मैंने डिफाइन कर रखा था ऑन क्लिक को, क्लिक करने में मुझे क्या काम करना है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रखा था। अब जब मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ तो देखो हुआ क्या, ये वाली चीज तो जो इन जनरल बस पड़ी हुई है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक्टिविटी फाइल के साथ, ये मेरी एक्टिविटी फाइल थी, पहला स्टेप मैंने क्या किया, अपने कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट्स मंगवा लिए, कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट मंगवा लिए। तो जो मेरी एक्टिविटी फाइल थी उसके साथ मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, एक तो स्पिनर और एक टेक्स्ट व्यू, उनके कंपोनेंट्स को अपने साथ कनेक्ट करवा लिया। तो मैंने यहाँ पे स्पिनर और टेक्स्ट व्यू, स्पिनर और टेक्स्ट व्यू कनेक्ट करवाने के बाद ये मुझे, इनको मैं कनेक्ट कैसे करवा पाया, कौन से फंक्शन का यूज किया गया था, फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी।
सेकेंड स्टेप मैंने सबसे पहले कनेक्ट करवा लिया, तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप था किसके लिए था, मेरे कनेक्शन के लिए, कनेक्शन करने के बाद अब बारी आती है मेन लॉजिक की। लॉजिक क्या कहता है, सबसे पहले गेट सेलेक्टेड कैटेगरी, फ्रॉम स्पिनर। अभी आपने स्पिनर में कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट कर रखा है उसको गेट कर लो। उसको गेट कैसे करते हैं, ये वाला काम करने के लिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया, स्पिनर, मतलब कि कौन से वाले स्पिनर की बात हो रही है, मैंने वो वाला ऑब्जेक्ट मंगवा लिया और उसका मैंने गेट सेलेक्टेड आइटम, मैंने भी कौन सा वाला आइटम सिलेक्ट कर रखा। पर इसका ड्रॉबैक क्या था, ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट को, रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, तो सेकंड स्टेप क्या था, रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, मेरे को चाहिए थी स्ट्रिंग, मेरे को ये चाहिए था कि एज अ स्ट्रिंग उसके अंदर मैंने किसको सिलेक्ट कर रखा है, तो सेकंड स्टेप क्या था, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ये वाला काम हमने कैसे किया था, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सी, तो ये दो फंक्शंस थे, एक ही फंक्शन है वैल्यू ऑफ वाले फंक्शन का यूज करके, इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यूज पास करता हूँ उसको ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप था Get items according to selected category। जो भी आपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर रखा है अपनी सेलेक्टेड कैटेगरी के corresponding उसके आइटम्स मंगवा लो। तो वो वाला काम मैंने कैसे किया था, अपना कस्टम फंक्शन बिल्ड कर दिया। अभी कस्टम फंक्शन करता क्या था, कस्टम फंक्शन का काम था सेलेक्टेड कैटेगरी को एक्सेप्ट करना। तो ये इनपुट में लेता था सेलेक्टेड कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो बेसिकली सेलेक्टेड भी नहीं, सिर्फ कैटेगरी हमें इसको बतानी होती थी। और इस फंक्शन का काम होता था कि किस कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ला कर दे मुझे, मेरे आइटम्स। और आइटम्स कैसे ला कर देता था, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेके आने के बाद जो लास्ट स्टेप क्या कहता है, आपके पास आइटम्स आ चुके हैं, तो अब मेरा लास्ट स्टेप था डिस्प्ले आइटम्स। तो आइटम्स को डिस्प्ले कैसे करते थे, टेक्स्ट व्यू, जहां पर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट सेट कर सकता हूँ। ये पूरा लॉजिक सिर्फ और सिर्फ कब इंप्लीमेंट होता है, जब मेरा बटन क्लिक होता है, याद रखना ये मेरा एक्चुअली पता है क्या है, बटन के ऑन क्लिक होने पर क्या काम हो रहा है उसका लॉजिक है। और ये चीज मत भूलना कि बटन के ऑन क्लिक को हमने डिफाइन कैसे किया था, तो आपने ऑन क्लिक का लेट्स सपोज कोई भी नेम दे रखा है, तो इसको पता क्या बोलते हैं, हम ऑन क्लिक के जो नेम को बोलते हैं उसको बोलते हैं इवेंट नेम, या फिर कोई भी यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने नाम दे रखा है एक्स वाई जेड, ऑन क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन वर्क कर जाए, तो इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो एक बार यहाँ पर देखो डिक्लेरेशन, पब्लिक void अपने ऑन क्लिक का नाम एक्स वाई जेड, और इसके अंदर क्या पास करना होता है, व्यू। तो जो भी लॉजिक मैं यहाँ पे लिखूंगा ये मेरा कब इंप्लीमेंट होगा,
जब मेरा ये वाला बटन क्लिक होता है। तो देखो ले देकर ये पूरा पूरा कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, ये पूरा पूरा काम हो रहा है। फर्स्ट टास्क के अंदर हमने क्या किया था, लेआउट को डिफाइन किया था। सेकंड टास्क के अंदर हमने उसके पहले कनेक्शंस बनाए। तो देखो सबसे पहले अपने कनेक्शंस बिल्ड किए, कनेक्शंस बिल्ड करने के बाद मैं आगे मूव कर रहा हूँ अपने लॉजिक की तरफ, ठीक है। तो ले देकर बहुत सिंपल टास्क है, फर्स्ट ऐप थी। फर्स्ट ऐप के अंदर हमने बहुत सारी नॉलेज को गैदर किया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स सुने, बहुत सारे ऐसे फैंसी वर्ड्स सुने जो हमें पहले नहीं पता थे, ठीक है। तो ये जस्ट एक ट्रेलर है, अभी हम उसके हर एक मॉड्यूल को, हर एक जिसमें चीज़ें हमने देखी हैं, जैसे कि आपने कोई जीयूआई कंपोनेंट देखा, टेक्स्ट व्यू देखा, कितने तरीके के व्यूज होते हैं उसके अंदर, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, तो इसको भी डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर आपका जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपकी एक्टिविटी बिल्ड हो जाए, आपकी एक्टिविटी बिल्ड हो जाए और ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ आ रहे हैं। बेसिक ऐप अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, ये तो हमारा पार्ट वन था, ठीक है। अब यहां पर देखो ये सारा सारा क्या था हमारा, पार्ट टू। आर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, अगर मेरे को उसको देखो, अगर मुझे आर फाइल ना होती तो मैं अपने कंपोनेंट्स को कभी भी कनेक्ट ना करवा पाता। कंपोनेंट्स को कनेक्ट करवाने के लिए मुझे ये आर फाइल की नीड है, और मेरा लॉजिक इंप्लीमेंट कैसे होता है, ठीक है। सो यहीं पर मैं रुकता हूँ, एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।